रहा है छठ का त्योहार, हर माई की पुकार, इसमें मग्न है सारे यूपी बिहार। जब छठ का गाना सुनता हूँ मेरा हृदय कांप जाता है, मन सिहर जाता है, मेरा आँख में आंसू स्वयं भर आता है। छठ के चार दिन के इस व्रत में माँ 48 घंटे भूखे रहती है, ठंडे पानी में खड़ी रहती है, उनका शरीर कांपता है, ठंड से ठिठुरता है, करुणा की भाव में उस नंगे पाँव में जल में ठिठुरते हुए सूर्य देव को आराधना करती है। माँ, मुझे पता है कि आप 48 घंटे मेरे लिए व्रत करते हैं। इस बार छठ मनाने गांव नहीं जा पाऊँगा माँ, सर पे जिम्मेदारी भी है। छठ मनाने गांव जाऊँ या सर पे जिम्मेदारी को निभाऊँ, अगले साल जरूर आऊँगा माँ छठ का पर्व अपने गांव में ही मनाने। इस बार मेरे बिना मना लो माँ, इसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। छठ पर्व ही एक ऐसा पर्व है जहाँ पर ढलते हुए सूर्य को भी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उन्हें दिया जाता है अर्घ, और उस दिन सारा धरती बन जाता है स्वर्ग। छठ पूजा सही मायने में कब आरंभ हुआ था कहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, बिहार के एक भागलपुर जिला है जो कि महाभारत काल में अंग राज्य के नाम से जाना जाता था, और उस अंग राज्य के राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण। वे तो ही सर्वप्रथम सूर्य की पूजा उपासना किया करते थे, क्योंकि वे स्वयं ही सूर्य के पुत्र हैं, और उन्होंने अपने पिता की आराधना के लिए ये पूजा आरंभ किए थे। और ये भी कहा जा सकता है कि द्रौपदी, पौराणिक कथा के अनुसार इसकी कथा है कि द्रौपदी भी अपने 5 पांडवों की रक्षा करने के लिए ये छठ माई की पूजा आरंभ की थी। छठ पूजा केवल यूपी बिहार नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में भी मनाई जाती है। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताइए।